नमस्कार, आपका स्वागत है बीबी न्यूज में। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 जुलाई को कैटरीना कैफ 34 साल की हो जाएंगी। हाल ही में कैटरीना की फिल्म जग्गा जासूस रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर की है। रिपोर्ट की माने तो कैटरीना एक फिल्म के लिए लगभग 6-7 करोड़ फीस लेती है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 2003 से इंडस्ट्री में एक्टिव कैटरीना के पास आज भी इंडिया में खुद का घर नहीं है। वो अभी भी मुंबई में किराए रहती हैं। कैटरीना के पास लंबे टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वो फिल्मों के साथ साथ मॉडलिंग, ब्रांड एम्बेसडर और एड से मोटी कमाई करती है। रिपोर्ट्स की माने तो कैटरीना की नेटवर्थ लगभग 64 करोड़ रुपए के आसपास है। कार का शौकीन कैटरीना के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें ऑडी Q3, ऑडी Q7 और SUV शामिल हैं। शुरुआती दिनों में कैटरीना बांद्रा के कुलदेव सागर में रहती थी। 2014 में वे बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ कार्टर रोड स्थित सिल्वर सैंड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, लेकिन 2016 की शुरुआत में दोनों अलग हो गए। ऐसे में कैटरीना काफी दिनों तक उसी घर में रही, जिसके लिए उन्होंने लगभग 15 लाख रुपए हर महीने किराया भी चुकाया था। हालांकि बाद में खबर आई कि वो बांद्रा के माउंट मेरी चर्च के पास स्थित अपार्टमेंट में अकेले शिफ्ट हो गई हैं। सोर्सेज की माने तो उन्होंने हाल ही अपना नया घर भी खरीद लिया है, हालांकि इसकी फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वैसे सिर्फ कैटरीना ही नहीं, इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो करोड़ों रुपए फीस लेने के बाद भी किराए के घर में रहती हैं।